तो ये दो नंबर्स का जी प्रोडक्ट है 2496 और HCF है जी 8, और हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ HCF एंड LCM। बिल्कुल सिंपल है। देखो जी फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये वाला मेथड जी हम यूज करते हैं जी। देखो जी प्रोडक्ट तो ऑलरेडी गिवन है जी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2496, इधर पुट कर दिया। HCF का वैल्यू गिवन है जी 8, और हमें फाइंड करना है LCM। तो पहले ऐसा करते हैं, पहले LCM फाइंड कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, 8 से कैंसिल कर दिया, 8 थ्री 24, 8 वन 8 और 8, इसका मतलब जी LCM का वैल्यू आ गया हमारे पास 312। तो अगर उसने LCM पूछा होता तो आंसर आ गया था, पर उसने पूछा जी HCF और डिवाइड बाय LCM, इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए। रेशियो का मतलब ये होता है जी डिवाइड करना। HCF है 8 और LCM आ गया 312, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1, इसको कैंसिल कर दें, और जी 8 3 द 24 बना 72, ये बन गया 8 9 द 72, रेशियो आ गया 1:39। ये रेशियो है जी हमारा HCF और LCM का, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है जी सी, ये राइट आंसर है।